नमस्कार, मैं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। पाकिस्तान की एक शीर्ष अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ 9 मई के बाद दर्ज किसी भी मामले में उनकी गिरफ्तारी पर रोक के अपने आदेश को 31 मई तक बढ़ा दिया है। सरकार के वकील द्वारा इमरान खान के खिलाफ दर्ज मामलों के बारे में जानने के लिए समय की मांग के बाद इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने यह फैसला लिया। इस दौरान खान अदालत में ही मौजूद थे। उनकी पार्टी ने दावा किया है कि इमरान के खिलाफ देश भर में 100 से अधिक मामले दर्ज हैं। हेमकुंड साहिब की यात्रा 20 मई को कपाट खुलने के साथ ही शुरू हो जाएगी। आज 250 सिख श्रद्धालुओं का पहला जत्था ऋषिकेश के लक्ष्मण झूला रोड स्थित गुरुद्वारा से गोविंद घाट के लिए रवाना हुआ। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सरदार गुरमीत सिंह, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जत्थे को शुभकामनाएं दी और रवाना किया। देहरादून मुंबई के बीच आज बुधवार को विस्तारा एयरलाइंस की अतिरिक्त फ्लाइट शुरू हो गई है। विस्तारा ने 180 सीटर विमान से फ्लाइट शुरू की है। पहले दिन मुंबई से फ्लाइट फुल आई और फुल वापस गई। फ्लाइट सुबह 9 बजे के करीब आई और 10 बजे देहरादून से मुंबई के लिए दोबारा उड़ान भर। उप महाप्रबंधक नितिन कादियान ने कहा कि देहरादून एयरपोर्ट पर दिल्ली व मुंबई के बीच आवाजाही करने वाले यात्रियों की संख्या काफी अधिक है। दिल्ली से सिडनी जा रहे एयर इंडिया के विमान में मंगलवार को समय कई यात्री घायल हो गए थे, जब उड़ान के दौरान विमान बड़े एयर टर्बुलेंस का शिकार हो गया। एयर टर्बुलेंस के दौरान घायल यात्रियों को सिडनी हवाई अड्डे पर पहुंचने के बाद चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध कराई गई। किसी भी यात्री को अस्पताल में भर्ती नहीं कराया गया। लखनऊ सुपर जायंट्स ने मंगलवार को आईपीएल के 63वें मुकाबले में मुंबई इंडियंस को 5 रन से हरा दिया। इस जीत के साथ लखनऊ ने अपने आप को प्लेऑफ के और ज्यादा नजदीक पहुंचा दिया है। गत चैंपियन गुजरात टाइटंस की एकमात्र ऐसी टीम है जो प्लेऑफ में पहुंच चुकी है। उसके 18 अंक है और कोई भी टीम उसे पीछे नहीं छोड़ सकती। सीबीआई ने बुधवार को जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के एक करीबी के घर छापेमारी की। बताया गया है कि एजेंसी ने यह रेड कथित बीमा घोटाले से जुड़े एक मामले में की है। मामले में मलिक के राज्यपाल रहते हुए उनके तत्कालीन सहयोगी के परिसरों में और दिल्ली और जम्मू कश्मीर में 8 अन्य ठिकानों पर बुधवार को तलाशी ली गई। पटना में जहां एक और बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम में लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है, वहीं दूसरी ओर असामाजिक तत्वों के द्वारा उनके पोस्टरों को फाड़कर उनका विरोध किया जा रहा है। इसी क्रम में बीती देर रात बदमाशों ने अब पटना के डाक बंगला पर लगाई गई पोस्टर पर बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के पोस्टर पर उनके चेहरे पर काली पोत कर चोर 420 लिख दिया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरभ गांगुली के सुरक्षा को बढ़ाने का फैसला किया है। ममता बनर्जी सरकार गांगुली को अब जेड श्रेणी की सुरक्षा देगी। नई सुरक्षा इंतजाम के तहत पूर्व बीसीसीआई अध्यक्ष की सुरक्षा में 8 से 10 पुलिसकर्मी रहेंगे। वाई श्रेणी सुरक्षा कवर के तहत गांगुली की सुरक्षा में 3 पुलिसकर्मी लगे थे। इतनी ही संख्या में सुरक्षाकर्मी उनके बेहला स्थित आवास की रखवाली करते थे। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने मंगलवार को कहा कि आयकर विभाग ने हाल ही में पश्चिम बंगाल के एक समूह के ठिकानों पर छापेमारी कर 40 करोड़ रुपए से अधिक की कथित अवैध कमाई का पता लगाया है। अधिकारियों ने कारोबारी समूह की तलाशी के दौरान 2.73 करोड़ रुपए की नकदी और आभूषण भी जब्त किए, जिनकी पहचान नहीं हो पाई है। कर अधिकारियों ने आरोप लगाया कि समूह अपनी उपज को दबा रहा है और खाद्य तेलों तथा DORB की बेहिसाब नकद बिक्री कर रहा है। बढ़ती महंगाई के साथ महंगाई भत्ता भी बढ़ता रहे, ऐसा देश के हर सरकारी कर्मचारी की ख्वाहिश होती है। केंद्र और राज्य सरकारें इसकी घोषणा अपने संसाधनों और सुविधा के अनुसार करती है। इस बार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने महंगाई भत्ता यानी DA में बढ़ोतरी कर दी है। इन खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ।